हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ओडिशा की एक फेमस मिठाई जिसका नाम है चंद्रकांति पिठा। ये ओडिशा के कुछ फेस्टिवल्स में बनाया जाता है और ये मूंग दाल से बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए येलो मूंग दाल। आप ग्रीन कलर की मूंग दाल से भी बना सकते हैं, जो होल वाला आता है, पर मैंने आज ये येलो वाला मूंग दाल से बनाया है, जो हम दाल बनाते हैं उससे। अब मैंने इसको भिगो दिया था 2 घंटे पहले और अब मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं किया। तो अब ले लूँगी एक कढ़ाई, मैं नॉनस्टिक कढ़ाई ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, नॉनस्टिक हो तो अच्छा है। तो उसमें मैं डाल रही हूँ पानी। पानी मैं यहाँ पर 2 कप डाल रही हूँ और इस 2 कप के पानी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप चीनी। तो जिस कप से मैंने पानी डाला था उसी कप से मैंने चीनी डाला है। और अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डालूँगी। ये ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो इसका खुशबू अच्छा आएगा। ये मिठाई बनाने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और नीचे से भी नहीं लगेगी घी या ऑयल डालने से। तो ये आप डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसी शुगर सिरप वाली मिठाई बनाते हैं तब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब हम इस पानी को उबलने देंगे, इस शुगर सिरप को होने देंगे, 1 तार का ही होने देंगे, ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। जब ये उबल जाए तो हम इसमें वो मूंग दाल का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। और इसे डालने के बाद लगातार इसको चम्मच से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जो है इसका लम्स बन जाएगा और ये एक जगह पे जाके जम जाएगा और अच्छे से ये फैलेगा नहीं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच और घी डालेंगे। ये ऑप्शनल नहीं है, इसे डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो है नीचे चिपक जाएगा और चिपचिपा सा हो जाएगा, लम्स हो जाएंगे, इसमें अच्छा नहीं बनेगा। तो इसमें अभी घी डालना ज़रूरी है और बस इसको चलाते रहिए, छोड़ना नहीं है। इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये मिश्रण एक जगह पर ना आ जाए और पैन को ना छोड़ दे, मतलब जब ये हो जाए तब आपको पता चल जाएगा। और गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। इसको बनाते हुए करीब 10 मिनट लग जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये बनकर बिल्कुल तैयार है, हलवा के जैसा हो गया है। अब ये पैन को भी छोड़ रहा है। तो मैं एक स्टील का प्लेट ले रही हूँ बड़ा सा, आप कोई भी प्लेट या फिर केक टिन ले सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ड्रॉप घी डालकर इसको ग्रीस कर लूँगी प्लेट को, ताकि ये जो मैं मिश्रण डालूँ ये उसमें नहीं चिपके और बाहर आसानी से आ जाए। और ये मिश्रण डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फैला दूँगी हर तरफ। इसे चारों तरफ से चम्मच से आप लेवल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत लेवल कर लीजिए ताकि ये जब हम काटेंगे तो दिखने में अच्छा दिखेगा। और अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे एक 10 मिनट 15 मिनट के लिए। फिर एक चाकू लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर घी थोड़ा सा लगाएंगे और इसको कट करेंगे। आपको जो भी शेप पसंद है आप उसी शेप में इसे कट कर लीजिएगा। मैं इसे नॉर्मल स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से भी कट रहा है। आप इसको बहुत ज़्यादा अगर ठंडा कर लेंगे आधे घंटे तक तो ये कट नहीं होगा, ये हार्ड हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद हम इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बाहर भी निकल आया है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी ऑयल में। मिठाई को तलते वक्त गैस की फ्लेम को हमेशा लो ही रखना चाहिए ताकि ये जो मिठाई है वो अंदर तक पके और अच्छी तरह से गोल्डन कलर हो जाए। इसे फ्राई करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, बस लो फ्लेम पर इसको ऑयल में छोड़ दीजिए और थोड़ा सा चम्मच से चारों तरफ से हिलाते रहिए। ये हर तरफ से पक जाएगा, मतलब ये पका तो है, थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा, दिखने में अच्छा दिखेगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर हो चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी तेल से और एक टिश्यू पेपर में रख दूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाए। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा गर्मा गर्म चंद्रकांति पिठा। ये मूंग दाल से ही बनता है, आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है।
या आप कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही कभी भी बनाकर इसको खाइए और एंजॉय कीजिए। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।